गुड मॉर्निंग गाइस गाइस आज फिर हाजिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो आज की जो अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगी, तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हम आज डिस्कस करेंगे कि जो आपकी एनएम की जो जॉब लगेगी अभी यूपी ट्रिपल एससी में, उसकी आपको क्या वेतन मिलने वाला है, मिलने वाली सैलरी का डिस्कशन कुछ इस प्रकार है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भत्तों की, जो आपको भत्ते मिलेंगे सैलरी में ऐड होके, जो इस प्रकार है महंगाई भत्ता राशन राशि मिलेगी, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं भत्ता। तो आपका जो ये सब भत्ते हैं ये सैलरी में ऐड होंगे, इन सबको टोटल मिला के आपकी सैलरी क्या होगी वो अभी आपको बताते हैं। तो बात करते हैं पे लेवल की, 0.3 में आपका पे लेवल आएगा। पे बॉन्ड होगा वो आपका 5,200 से 20,200 यानी कि बेसिक सैलरी मानी जाएगी, और जिसमें आप ग्रेड पे ऐड कर सकते हो 2,000 रुपये। और पे स्केल आपका जो रहेगा, जो न्यू लगेंगे उनके लिए 21,700 तक रहेगा, और जो सीनियर्स हो जाते हैं काफ़ी लंबे तक टाइम करते हैं उनकी जो सैलरी हो जाती है वो 69 तक हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो पे स्केल है, जो सैलरी रहेगी 21,700 से लेकर 69,100 तक रहेगी, इसके बीच में रहने वाली है। और जो बेसिक सैलरी मूल भत्ता है वो 21,700 आपकी ज्वाइनिंग के टाइम के उम्मीदवारों को दी जाएगी, जो नए बंदे जो ऐड किए जाएंगे उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी। तो मैक्सिमम सैलरी आपकी जो रहने वाली है वो 6,900 रहने वाली है। तो डेयरनेस अलाउंस की, जिसको डीए महंगाई भत्ता भी बोलते हैं, वो आपका जो रहेगा 6,727, जो हमारी सैलरी का 31% ऑफ बेसिक सैलरी का बनता है। ये जो हमारी पूरी टोटल सैलरी होती है उसका 31% होता है। तो अब बात करते हैं हाउस रेंट की, जो आपको हाउस रेंट मिलेगा वो 1,000 रुपीज़ से 5,200.028 से मिलेगा। जैसे कि शहरों में रहते हैं उनका अलग और गांव में रहते हैं उनका अलग अलग मिलता है। तो अब ट्रांसफर अलाउंसमेंट की बात कर लेते हैं, जो आपको 1,500 रुपये से 3,000 पर मंथ मिलेगा, वो भी सैलरी में सब ऐड होगा। और लास्ट में जो आता है ऑनलाइन अलाउंस, ये आपको तभी मिलेगा जब आपका ऑफिस आपको ऑनलाइन वर्क करने के लिए देता है, तो आपको इंटरनेट के खर्चे वर्चे ये सब पूरे करने के लिए आपको हर महीने मिलता है। तो पूरा टोटल बना के साल का हो गया 12,000 से 15,000 तक वो दे सकते हैं आपको। HRA एक्स श्रेणी के शहर मेट्रो शहर के लिए 27%, वाई श्रेणी के शहर के लिए 18%, जेड श्रेणी के शहरों के लिए 9% ऐसा लागू होगा। तो आप टोटल एक कर सकते हैं कि आपका टोटल मिला के कितना हुआ इन सबको टोटल करके। तो ये थी आपकी पे सैलरी स्केल जो हमने डिस्कस किया। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आई है सब्सक्राइब करती है। ये गम मिलते हैं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।